मेरे साइड में ना मेरे साथ कोई रेस लगा रहा है। आप देखना चाहोगे कौन रेस लगा? ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इसको माना जाता है। वहाँ पे ना हम लोग को पहुँचना होगा 6 बजे से पहले, तो हम लोग को पहुँचना होगा। यहाँ पे एक शार्प यू टर्न है छोटा सा ना, ये ना एकदम पहाड़ों के ऊपर है। इसकी ना लंबी सी एक स्टोरी है। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस आज की इस ब्लॉग की शुरुआत देखो, अपने बज रहे 3:30 और वो रही है अपनी बाइक। आज एक ना प्लान बनाया राइड का, तो आज राइड होने वाली है सोलो राइड। तो देखते हैं गाइस, बने रहना ब्लॉग पे। एक ना तगड़ी वाली लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ, तो आप लोग को भी दिखा दूंगा ब्लॉग पे, बने रहना। और क्या ही खतरनाक भूख लग रही है मेरे को, देखो पसीना पसीना हो चुका है ऑलरेडी। तो निकल देना गाइस, जिससे दो मिलता आपको सीधा मोटर पंप पे। मैं निकल गया घर से और सीन ऐसा है, क्या खतरनाक धूप लग रही है यार। अभी फिलहाल के लिए टाइम देखो, बज रहे 3:30 बज चुके हैं, मतलब वही टाइम है, 3:30 से पहले निकल गया था। तो अभी पहले जाके ना मेरे को करना पड़ेगा इस बाइक पे फ्यूल अप, तो सीधा मिलता हूँ पहले मैं आपको अभी जाके पेट्रोल पंप पे। यहाँ पर ना करेंगे फ्यूल अप और इसके बाद हो जाएंगे गायब। यहाँ पे आगे क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है वहाँ पे जी। अभी पहुँच गए हम लोग अपने हाईवे पे, और यहाँ से कम अपने को पहुँचना है, एक और घंटा रास्ता तय करना है। लगभग अभी बज रहे हैं 4:10 हैं, मतलब हार्डली मेरे को ना 5 बजे कैसे भी करके उस लोकेशन पे पहुंचना है। और वो लोकेशन कम से कम यहाँ से ना 40 किलोमीटर्स दूर है, 40-50 किलोमीटर्स, जो भी रहेगा देखा जाएगा। लेट्स गो। क्या बादल बने ना, मस्त लग रहे हैं बादल। देखो भाई पहुंच गए हम लोग परोरी में, और यहाँ से पूरा का पूरा है डाइवर्जन। यहाँ पे अपनी बाइक थोड़ा कमाल दिखा देते ऑफ रोड पे। तो डॉगी देखो, ये डॉगी कहाँ गया, चला गया अंदर। अपने सामने देखो जा रहा है एक राइडर, पता नहीं कहाँ का है, 22 भारत की गाड़ी है। मेरे साइड में ना मेरे साथ कोई रेस लगा रहा है, आप देखना चाहोगे कौन रेस लगा? ये देखो, हेलो हाय, अरे हाय कर रहा है, हेलो। लोग पागल समझेंगे मेरे को। कर भी क्या सकता, सीधा सीधा हाईवे है। ला 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 ला, क्या मस्त है वो, देखो चांद निकला है, चांद छुपा अभी बादल में। अभी ना यहाँ से अपने को लेना पड़ेगा राइट, और मैं हूँ अपने वैरना में। ये पूरा ना यहाँ से ओल्ड हाईवे अंदर, तो जहाँ लेफ्ट है आप लोगों ने देखा, और ये वाला जो हाईवे है ये न्यू हाईवे है। तो यहाँ से अपन को लेना पड़ेगा राइट। आज का लोकेशन है अपना साउथ गोवा में। वेरना जो है अपने गोवा में, साउथ गोवा में पड़ता है वेरना, मड़गांव, कौरतालीम, वास्को, ये सब साउथ एरिया, साउथ साइड में पड़ता है। और नॉर्थ वाला साइड जो है, मतलब हमारा नॉर्थ और साउथ को अगर मेन हाईवे से आओगे तो ये जो अक्षी का ब्रिज है, अक्षी कौरतालीम जो ब्रिज है वो डिवाइड करता है। मतलब वो पार जाओगे तो नॉर्थ गोवा में पहुँचोगे, ये साइड आओगे तो साउथ गोवा में। तो ऐसा कुछ सीन है। और अभी मैं हूँ साउथ गोवा में फ़िलहाल के लिए। तो मैं ना एक लोकेशन पे जा रहा हूँ, मस्त लोकेशन पे। यहाँ पर ना हम लोगों ने अपनी ना ज़्यादातर चाइल्डहुड और पूरी चाइल्डहुड और कॉलेज तक का सफ़र मैंने ना पूरा यहीं पे निकाला है, मतलब 20 रोड से। अभी तो फ़िलहाल के लिए तो ये रोड थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी है। हम लोग ना साइकिल से लेके आते थे, साइकिल मैं ना आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट ना यहाँ से अपोजिट साइड में हम लोग रहा करते थे। तो चलते हैं, दिखाता हूँ ना आगे। ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इसको माना जाता है। वहाँ पे ना हम लोग को पहुँचना होगा
छः बजे से पहले तो हम लोग को पहुंचना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए बज रहे हैं 4:30, तो ऐसा कुछ सीन है, मैंने ना घर से निकला था मैं 3:30 बजे, 3:30 से 4:30, एक घंटे में कवर कर लिया मैंने अपने अपने लोकेशन से वेरना तक का सफ़र। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे, ये जो नीचे ब्रिज है यहाँ से रेलवे जाती है नीचे से, तो सीधा जाती है मड़गांव तक, मड़गांव से यहाँ साइड, ये साइड राइट साइड में था अपना थ्रीम साइड में। देखो ना मैं ना थोड़ा आगे गलत निकल गया था, यहाँ पे देखो मस्त अपना ना खेती वेती का काम चालू है, तगड़ी धूप लग रही है ना, इस वजह से लोग यहाँ पे सुखा रहे हैं और गाड़ी में पैक करके वापस लेके जा रहे हैं। अभी देखो गाइस फाइनली थोड़ी सी एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग, छोटा सा एक ढलान सेक्शन है यहाँ पे, देखो आप लोगों को ना कोई भी नज़र नहीं आएगा, तो जल्दी जाते हैं और जल्दी नीचे आते हैं। यहाँ पे एक शार्प यू टर्न है छोटा सा ना, ये ना एकदम पहाड़ों के ऊपर है, इसकी ना लंबी सी एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग भी कभी गूगल पे या फिर कहीं पे देख लेना। तो भाई देखो वी आर फाइनली एट आवर लोकेशन, और ये रहेगा जैसा कुछ पाथवे है, और यहाँ से मैं आया था नीचे से, और अभी जाना है ऊपर, तो चलते हैं वापस ऊपर ना, आगे जाके आपको सब कुछ दिखा दूंगा, तो लेट्स लेट गो। तो देखो भाई फाइनली मैं ना पहुंच गया था अपने लोकेशन पे, और अपने पीछे ना जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, ये रहा है वो लोकेशन, और सामने वाला नज़ारा आप लोग देख रहे हैं, क्या मस्त क्लाउड्स बने हैं और क्या प्यारा प्यारा लग रहा है लोकेशन, ब्यूटी एंड इट्स बेस्ट। और वहाँ पे ना वो वेरना इंडस्ट्रियल स्टेट है, आपको ना जस्ट मैंने एक वेरना इंडस्ट्रियल स्टेट दिखाई, और उसके साइड में ना वो एग्जैक्ट बाजू में दिखाता हूँ एक बार आपको जूम करके, ये रहा है इस लोकेशन पे हम लोग रहा करते थे, ये वाले, ये जो आप लोग ये लोकेशन है ना रेड वाला, वहाँ पर हम लोग पहले रहा करते थे। तो उसे कुछ सीन है यहाँ पे, तो पहले हमारे जो पापा थे वो पुलिस में थे, तो वो है पुलिस क्वार्टर्स, और वहाँ पर ही वेरना पुलिस स्टेशन है, तो जितना भी यहाँ पे सब कुछ एरिया ना वो उसी पुलिस स्टेशन के अंडर कवर अप होता है। तो चलते हैं एक और राउंड लेते हैं यहाँ वहाँ, और फिर निकलेंगे अपने रास्ते की तरफ। यहाँ से ना आगे साइड से भी मस्त सा व्यू नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर ना कुछ लोग हैं, तो वो जाने के बाद आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं पीछे आया हूँ यहाँ पर ना, इसकी स्टोरी मैं बता रहा था ऑन द वे, तो ये है गाइज थ्री किंग्स चर्च, तो ये लोकेशन है गाइज कंसालिम करके, और इसको बोलते हैं मुडेर, जो कि है वेरना में, और मेरे पीछे देख सकते हैं ये चर्च है। तो इसकी स्टोरी ऐसी है, नाम पर पता चला होगा आपको, ये थ्री किंग्स में मतलब ना वो थ्री किंग्स, अगर आपको स्टोरी अगर आप लोगों ने पढ़ ली होगी तो आप लोग को समझ आएगा। तो थ्री किंग्स जो थे वो यहाँ पर एक्चुअली रहा करते थे, यहाँ पर ना बहुत टाइम उन्होंने रूल किया था, ऐसे मैंने स्टोरी पढ़ा है, स्टोरी के ऊपर हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर ना, यहाँ पर ना बहुत सारी झगड़ाएँ फाइट वाइट हुआ करती थी, और वही उनकी बॉडी को ना यहीं पे कहीं पे दफनाया गया था, तो उनका ही यहाँ पे स्पिरिट जो कि है वो घूमते रहते हैं शाम को 6 बजे के बाद ना यहाँ पे कोई नहीं आता है। यहाँ पर ना जनवरी के मंथ में ना फीस्ट होता है, जो कि जनवरी के सेकंड वीक या फिर थर्ड वीक में ऐसा कभी तो फीस्ट होता है। तो ऐसा कुछ सीन है इस चर्च की स्टोरी, और यहाँ पर ढेर सारे स्टॉल लगते हैं, तो वैसे ही शाम के 6 बजे सबके सब यहाँ से निकल जाते हैं। अगर पढ़ोगे गूगल पे तो बहुत सारी स्टोरियाँ हैं,
अलग अलग तरह की, लेकिन ये स्टोरी जो थी वो मैंने कहीं तो रिसर्च करके आपको बताई है, तो गलत रहूँगा तो माफ़ कर देना, आप लोग जाके पढ़ लेना कमेंट में। अगर आप लोग को पता रहेगी यहाँ की स्टोरी तो ज़रूर लिखवा देना। तो फिलहाल के मेरे को देखो पसीने पसीने आ चुके हैं, वहाँ पे नीचे पता नहीं क्या है, मैं नीचे नहीं गया, और यहाँ पर ना आगे ब्यूटीफुल सा व्यू है, वहाँ पे कोई तो खड़े हैं, वो जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा वहाँ पे। अब तक के लिए ना एक चर्च का सिनेमेटिक दिखा था आपको, वो एंजॉय कर लेना। तो मैंने कहा इस रूट से आया था, तो यहाँ से एंट्री है और यहाँ पे चर्च है। तो मैंने कहा यहाँ से मैं आया था, इस रोड से जो मैं आपको दिखा रहा था खेत 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 करके, ये रोड सीधा जाके वहाँ पे, वहाँ से लेफ्ट मार के फिर यहाँ से जाके वहाँ पे कहीं पे अपना हाईवे है, तो ऐसा सीन है। और राइट साइड में ना आपको दिखाया था पूरा बीच बीच है, कंसालिम बीच। डन विद द सीन, और अभी फिलहाल के लिए बज रहे हैं 5:15 और निकलते हैं गाइस अभी यहाँ से ना, चर्च देखेंगे कहीं पे जाएंगे या फिर देखते हैं, जो भी रहेगा वो देखा जाएगा आगे। तो भाई देखा आपने ऐसा कुछ सीन था आज के इस व्लॉग में, तो गाइस इस व्लॉग को ना करते हैं यहीं पे एंड। आपके आप लोग को व्लॉग पसंद आ रहेगा, पसंद आ रहेगा तो गाइस आपको कहना बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और ढेर सारा प्यार तो दिखाना बनता है। तो मिलते हैं गाइस इसी एनर्जी के साथ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, आई होप कि आवाज़ आ रही होगी। तो ये रही गाइस अपनी बाइक, और यहाँ पर ना क्लियरली लिखा है, आप लोग वीडियो को ना पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लेना। हम लोग ना गाइस यहाँ पे रहा करते थे, जो मैंने आपको वहाँ से ऊपर से लोकेशन दिखा रहा था, तो यही लोकेशन है, यही उसका एंट्री है, और बिल्कुल अपोजिट पहाड़ पे मैं अभी आ चुका हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर ना ढेर सारी मेमोरीज है अपने, और आपको दिखाता हूँ। आज तो था संडे, तो संडे वाला व्लॉग तो ऐसे ही वेस्ट क्यों किया जाए। यहाँ पर ना ये अपना फुटबॉल ग्राउंड हुआ करता था, और यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे, ये लोग अभी भी खेलते हैं। यहाँ पर ना इंडस्ट्री पे जो भी लोग काम के लिए जाते हैं वो लोग खेला करते हैं यहाँ पे, और हम लोग ना बहुत सारे यहाँ पे मेमोरीज है, बहुत बहुत सारे फुटबॉल वुटबॉल यहाँ पे दिन रात, मतलब फुटबॉल पे एकदम पागल था मैं। अभी के लिए तो मैंने फुटबॉल छोड़ दी कम्प्लीटली। तो इस रोड से ना हम लोग चल के जाया करते थे, जहाँ से मैंने व्लॉग की शुरुआत की वहाँ से। यहाँ पे ना मालसा मंदिर है, मालसा नारायण मंदिर, तो उस मंदिर में हम लोग जाया करते थे। तो ये रहा गाइस अपना मालसा मंदिर, नारायण मंदिर बैरना, इस जगह का नाम भी ना माडौल है, तो इस मंदिर में हम लोग जाया करते थे। अभी मंदिर देखो कितना बड़ा बन चुका है, पहले के ज़माने में एक ज़माने में मंदिर बहुत छोटा था, बहुत मतलब पतरे में मंदिर था। तो यहाँ पे इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री की वजह से मंदिर को भी उतना फंडिंग भी मिलता है, और पूरी तरह से डेवलप भी हो चुका है। संडे के दिन ना यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स आते हैं, ये जगह जो है ना वो ड्रैग रेस के लिए फेमस है, और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। देखो गाइस अभी थोड़े ना हल्के से बारिश के बादल बन चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कोई राइडर्स रहेंगे तो देखेंगे क्या रेस, क्या वहाँ पे सीन रहेगा एकदम ना। यहाँ पे पहले उतना कुछ इंडस्ट्रीज नहीं थे, ये हाल ही में बन चुके हैं। तो ये है गाइस रेस ट्रैक, तो यहाँ पे होती है ड्रैग रेस, जो कि फिलहाल के लिए नहीं हो रही है। अच्छा तो मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे है सब लोग।
किस सब राइडर्स रूडर्स सब यहाँ पे है। बॉयज यहाँ पे ड्रैग रेस चल रही है। तो निकलते गए अपन लोग ना, ये लोग खाली ड्रैग करते रहेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर तो इनका चालू ही रहेगा। अच्छा आगे से वहाँ से जाके वापस से देखेंगे। ऐसे देखो क्या प्यारा प्यारा सनसेट है, क्या मस्त लग रहा है ना। मज़ा आ गया आज का दिन। तो घर से निकल गया लेकिन मज़ा आ गया। वो वहाँ पे गए थे मैं, और ये वाला रोड है। देखो भाई अभी के लिए हम लोग पहुँचे हैं अपने पोरवरी में। और यहाँ का तगड़े ट्रैफिक से अभी निकलना होगा अपन को। और टाइम देखो हो रहा है 7:45, तो पहुँचते पहुँचते बच जाएंगे आराम से 8। भूख भी लगी है ना तगड़ी वाली, क्या बताऊँ भाई साहब। इसका आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखो इसके साइड लाइट ना टूट गए, दोनों साइड लाइट का ना उसने एमसील लगा दिया। हाँ मतलब साइड लाइट उसके ऐसे रहे दोनों साइड लाइट। मस्त आइडिया ना, आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपकी साइड लाइट टूटी हुई है तो उसको ना जिस पोजीशन में गिरी है। देखो भाई फाइनली मैं ना पहुँचा ऑन द वे में। पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, शायद से एक्सीडेंट हुआ लगता है। देखो गाइस ऐसा कुछ सीन था आज के इस ब्लॉग में, तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा। आई होप कि आप लोग को ब्लॉग जो है पसंद आया रहेगा। तो पसंद आया रहेगा तो गाइस आप लोग पसंद लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं गाइस इसी एनर्जी के साथ आप लोगों से ना अगले ब्लॉग में। टिल देन गाइस बाय, गुड नाइट।